कि अभी प्राइस क्या है यू नो आप इसके सेगमेंट में तो बहुत सारी गाड़ी आती है, जैसे ड्यूक 250 भी आती है, 390 भी आती है। 390 की तरफ आप जा सकते थे, तो RR 310 ही क्यों लिए? इसका थोड़ा लुक हमको ज्यादा अच्छा ज्यादा बेटर। हाँ मतलब लुक इस R15 है, लेकिन इसमें चलाने में लॉन्ग टर्म में थोड़ा बॉडी, हाँ थोड़ा सा तो हैंडलिंग उसकी, तो जो BMW की आती है RR 310, तो उसके तरफ क्यों नहीं है आप, ये क्यों लिए? दोनों को लुक सेम ही है, इंजन भी सेम ही है, 2 किलोमीटर चल चुकी है। तो यहाँ इसकी मोड कहाँ से चेंज होती है? इधर मोड आपको यहाँ से चेंज, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो अभी हम लोग कुछ इस तरह के लोकेशन में खड़े हैं, और जो कि आप लोगों के सामने फिर से लाए हैं, जो कि RR 310 है और BS6 वेरिएंट है, जो कि आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि फुली डिजिटल आती है। इसमें बहुत सारी मोड मिलती है, जैसे ट्रैक मोड, रेन मोड, अर्बन मोड सारी, और एवरेज कितना दे रही है 30 की सारी चीज़ दिखा रही है, और यहाँ ओडोमीटर शो कर रही है, और फ्यूल रेंज भी दिखा रही है आपको 153 किलोमीटर यहाँ पे। तो मतलब इसमें बहुत सारी फंक्शन है। तो इसका अभी ओनरशिप रिव्यू लेने जा रहे हैं, ठीक है, और ओनर से जानेंगे कि इस गाड़ी का कितने साल हुआ, कितने महीने हुआ, और चलाने में कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस अभी आपको पड़ेगी 3,16,000 के आसपास पड़ेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अभी है, और पहले आती थी 2,84,90 के आसपास आ जाती थी, बट अभी बहुत ज़्यादा ये ओवर प्राइस कर दिए। और इसका आपको सेम सेगमेंट मिलेगा जो कि BMW का RR 310 है, ठीक है। तो अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो आप BMW की तरफ जा सकते हैं, अगर आपके पास कम पैसे है थोड़ी सी तो आप TVS की तरफ जा सकते हैं, जो कि सेम इंजन है, सेम फेयरिंग है, टोटल चीज़ बस लोगो आपको चेंज मिलेगा और कुछ नहीं। तो इसका ओनर से जानते हैं इन्होंने क्यों लिया, BMW क्यों नहीं लिया, ठीक है। के ओनर मिस्टर राहुल जी है ना, तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि इस गाड़ी की अभी प्राइस क्या है? 3,16,000। तो मतलब ये जमशेदपुर नंबर दिख रही है, मतलब आप इसके फर्स्ट ओनर है या फिर सेकेंड? सेकेंड ओनर है। तो जब आपने इस गाड़ी को गए खरीदने उतने पैसे लेके, तो मतलब इसके सेगमेंट में तो बहुत सारी गाड़ी आती है, जैसे ड्यूक 250 भी आती है, 390 भी आती है, 390 की तरफ आप जा सकते थे, तो RR 310 ही क्यों लिए? इसका थोड़ा लुक हमको ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेटर। हाँ मतलब लुक इसका काफ़ी अच्छा है, एरोडायनेमिक भी सही है, और थोड़ी सी ब्रॉड लगती है, तो बल्कि लुक है उसके हिसाब से आप बोल सकते हैं ना, खड़ा होता है तो लगता है कि हाँ कि कोई बाइक है, मतलब 300 cc की सेगमेंट की लगती नहीं है ना, तो देता है 600 cc। और जो इसकी मतलब चेचिस है वो रेड कलर की बहुत ही अच्छा लगती है ना बाहर से। नहीं इसको सेकेंड हैंड, इसका अभी प्राइस क्या पड़ा आपको? 240। बहुत ज़्यादा ज़्यादा चला हुआ नहीं है। अच्छा तो 5,000 किलोमीटर, बस 5,000? तब तो बहुत सही मिली। तो आपने रांची से खरीदा या फिर जमशेदपुर नंबर? जमशेदपुर से। तो कोई मतलब कॉन्टेक्ट था या फिर? हाँ अच्छा ओएलएक्स से। अच्छा तो ऐसा नहीं है ना कि मीटर उटर भी आजकल चेंज आती है बहुत देख करके? RC कार्ड से इसका सर्विसिंग सब मतलब कंपनी से आप मतलब निकाल के सब चीज़ करवा लिए ना। तो इसको लिए हुए कितने दिन हुए आपके? हो गया 1.5 महीना। 1.5 महीना, तो अभी तक चलाने में एक्सपीरियंस? चलाने में बहुत कंफर्टेबल, लॉन्ग टूर के लिए मतलब कोई बॉडी पेन में नहीं है, कोई नहीं है ना। मेरे पास R15 है, लेकिन उसमें चलाने में लॉन्ग टूर में थोड़ा बॉडी पेन, हाँ थोड़ा सा तो हैंडलिंग उसकी थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव है, इसलिए थोड़ी सी हाथ में पेन आती है। तो अभी माइलेज क्या निकाल के दे रही है? 1.5 महीने यूज किए तो जैसे अभी सिटी में चला रहे तो 25 से 30 के बीच में, 25 से 30 चलाते तो 35-40 35-40 आराम से। तो मतलब 35-40 इस बाइक के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, जो कि 312 cc की इंजन आती है उसके हिसाब से, है ना। तो आपने ये नहीं सोचा कि इस रेंज में तो RC 390 भी आ जाती है, थोड़ा सा बेटर लुक इससे? लेकिन वो थोड़ी सी पतली अब बोला तो बेकार सी कर दी है इसका लुक, उसमें तो हाँ नहीं अपना सोच है। वो तो है, नहीं नहीं मतलब जो BS4 वाली आती थी वो बेटर लुक था उसका, लेकिन अभी वाला जो बेकार कर दी है। तो अभी तो KTM बहुत कोई नहीं ले रहे हैं उसी फेस की वजह, सब ड्यूक की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा ड्यूक में ही ले रहे थे। तो आपने ड्यूक 390 नहीं देखी एक बार? नहीं वो पसंद नहीं, पसंद नहीं। तो इसकी मतलब आप पॉजिटिव चीजें बताइए। पॉजिटिव चीजें कि रोड पे जब चलता है तो बहुत अच्छा लगता, है ना। और मतलब माइलेज ठीक ठाक है? माइलेज भी ठीक है। और जो इसका सीटिंग कम्फर्ट है वो? सीटिंग भी ठीक है। और मतलब पिलियन में तो दिक्कत, हाँ पिलियन में दिक्कत होती है ना, अगर आप सिंगल चला रहे लॉन्ग टूर पे तो कोई दिक्कत। और ब्रेकिंग? ब्रेकिंग बहुत अच्छा है, ब्रेकिंग अच्छा है। इससे अच्छा RC का है?
इसमें थोड़ी सी उतना नहीं है ना, पता नहीं आज से कभी चलाए नहीं। अच्छा नहीं चलाए, अच्छा तो वो चला के देख लीजिएगा, इससे बेटर है। और इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप बहुत सारी आती है ना, तो मतलब इसमें आप सारी चला के देख चुके हैं, रबर मोड, ट्रैक मोड, सब में सब चलाएं, तो सब मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल क्या लगती है इसमें? ट्रैक मोड। ट्रैक मोड, अच्छा तो मतलब ट्रैक मोड में सबसे पावरफुल है। और रेड मोड में चला के देखें तो कैसा परफॉर्म करती है गाड़ी? मोड में भी अच्छा चलता है, मतलब 110-15 की स्पीड में ज्यादा है रेड मोड में। अच्छा मतलब 110-15, और उससे ज्यादा नहीं? अच्छा है, तो मतलब उसमें तो काफी एकदम लगता होगा कि गाड़ी और खींचते जाए खींचते जाए, ऐसा लगता होगा कि चलाने में बहुत मजा। लेकिन भीड़ भाड़ में थोड़ी सी इरिटेट लगती होगी है ना, तो इसकी तो इसकी इधर साइड आती है बाएं साइड डिस्क प्लेट, वो काफी बेहतर लगती है ना। जो BMW की आती है RR 310, तो उसके तरफ क्यों नहीं है आप, ये क्यों लिए? दोनों को लुक सेम ही है, इंजन भी सेम ही है, बस वही है कि इसका रेट थोड़ा ज्यादा है, इसका ₹25,000 का फर्क है। मतलब उसका है ना BMW का। हाँ, और मतलब उसकी थोड़ी सर्विसिंग कॉस्ट भी ज्यादा आती है। पहला बात है कि अपना देश का ये TVS ब्रांड, इंडियन ब्रांड है, जो कि अभी लोगों ये आ गए, पहले TVS लिख के आता था, पर अब घोड़ा के रेट भी उससे 20-25 हज़ार का फर्क पड़ रहा है, और सर्विसिंग कॉस्ट भी अच्छा है इसका। तो मतलब इसमें वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन है, और मतलब वो चला के देखें BMW RR 310, उसमें है वाइब्रेशन? नहीं चलाए, तो मुझे लगता है सेम इंजन है तो होगा ही वाइब्रेशन। हाँ मतलब आप इसके भी पार्ट्स खोलोगे तो BMW की इंजन ब्रेक पेड हो गया है ना, जो पीछे की,